आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। नवरात्रि का समापन रामनवमी के साथ होता है। क्या आपको मालूम है कि आखिरी नवरात्र का नाम भगवान श्री राम के नाम पर क्यों पड़ा? आइए आज आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, साथ ही जानेंगे कि इस बार रामनवमी का महापर्व खास क्यों रहने वाला है। ऐसा कहते हैं कि भगवान राम का धरती पर जन्म इसी दिन हुआ था। भक्तों के दुख दूर करने और दुष्टों का अंत करने के लिए श्री राम त्रेता युग में इसी दिन पैदा हुए थे। वास्तविक नवरात्र के नौवें दिन उनका जन्म हुआ था। श्री राम मध्य दोपहर में कर्क लग्न और पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुए थे। भगवान राम के जन्म की इस तारीख का जिक्र रामायण और रामचरितमानस जैसे तमाम धर्म ग्रंथों में किया गया है। श्री राम स्वयं भगवान विष्णु का सातवां अवतार थे। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध की कहानी भी नवरात्रि से जोड़कर देखी जाती है। ऐसा कहते हैं कि जिस भक्त श्री राम सीता को रावण के चुंगल से छुड़ाने के लिए युद्ध लड़ रहे थे, उस समय रावण पर विजय पाने के लिए भगवान श्री राम ने देवी दुर्गा का अनुष्ठान किया था। यह पूजा अनुष्ठान पूरे 9 दिन तक चला था, जिसके बाद माँ दुर्गा ने भगवान श्री राम के सामने प्रकट होकर उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया था। वहीं 10वें दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर विजय हासिल की थी।